हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये दुर्गा पूजा मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा है। गाइज, मैंने यहाँ पर छोटी बिंदी भी लगाई है, और एंड में आप एक नया लुक देखेंगे। तो मैंने एक नए तरीके से भी मेकअप किया है, मैंने मतलब दो तरीके से ये लुक क्रिएट किया है। और प्लीज़ वीडियो का अंत तक ज़रूर देखेगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी वाला लुक जो है वो ज़्यादा पसंद आया है, स्टार्टिंग वाला या एंड वाला, या दोनों ही पसंद आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक ज़रूर देखेगा। और मैंने जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, इन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं बेबी वाइप से, यानी कि वेट वाइप से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी अच्छे से, ताकि कोई भी डर्ट या इम्पोर्टीज़ हो तो वो निकल जाए। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पतंजलि की एलोवेरा जेल एज अ फेस प्राइमर। मैं इसे लगा रही हूँ, और एक मिनट तक मैं इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। और गाइज, इस फाउंडेशन का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो की लिस्ट जरूर चेक करें। आई एम श्योर आपकी ज़रूर हेल्प होगी, और काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी टैप टैप करते हुए। और फाउंडेशन को गाइस अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी फाउंडेशन जो है आपके फेस पर अच्छे से टिका रहता है। और अब मैं मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरा जो बेस है वो एकदम से फ्लॉलेस लगे। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का कंसीलर। और गाइज, मुझे ये कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है, फिंगर की हेल्प से भी ईजिली ब्लेंड हो जाता है, और ब्रश की हेल्प से तो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। तो आप भी इनके प्रोडक्ट्स को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इनके प्रोडक्ट्स के मेकअप ट्यूटोरियल भी अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, और मैंने फ्लिपकार्ट शॉपिंग मॉल शेयर किया था, तो उसको भी आपने काफ़ी पसंद किया है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस वीडियो का। और अब मैं इसी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को भी अच्छे से सेट कर लूँगी। और दोस्तों, ये सभी स्टेप्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी से ही आपका मेकअप जो है अच्छा दिखता है। और अब मैं यहाँ पर मिजी फ्लावर जेल आईलाइनर की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी, फिल कर लूँगी अच्छे से। और अब मैं एक्सपोली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूँगी अच्छे से, ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे मेरी आईब्रोज में। अब मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी पैलेट से बर्गंडी कलर का शेड लेकर अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी, और अच्छे से ब्लेंड करना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे भी, क्योंकि इसी से ही आपका जो आई शेडो है बहुत सुंदर दिखता है, और जो एक्चुअल कलर आता है वो ब्लेंड करने के बाद ही आता है आई शेडो का। अब मैं ये बेबी वाइप्स की हेल्प से एक्स्ट्रा जो भी मेरा आई शेडो है वो क्लीन कर लूँगी, जो भी आईलिड पर लगा है, ताकि क्लीन कैनवास तैयार हो जाए, ताकि मैं जो नेक्स्ट शेड है वो ट्राई करूं तो वो अच्छा दिखे। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस कंसीलर को लेकर अपनी हाफ आईलिड पर लगा लूंगी। और अब मैं यहाँ पर ये मेकअप फिक्सर को स्प्रे कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश पर, और इससे मैं ये आई शेडो का शेड जो मैंने पिक किया है मार्स आई शेडो पैलेट से लिया है, और रेड कलर का शेड है ये, और इसे वहाँ पर लगाऊंगी जहाँ पर मैंने अपना कंसीलर लगाया था। अगेन मैं ये बरगंडी कलर का शेड लेकर अच्छे से सारे आई शेडो को मिक्स कर लूँगी। और अब मैं ये जैकलिन हिल पैलेट से गोल्डन कलर का शेड लूँगी, और अपनी फिंगर टिप की हेल्प से मैं इसे लगा रही हूँ, और मैं सिर्फ सेंटर में प्लेस कर रही हूँ इस शेड को। ये शिमर आई शेडो है।
और अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जो भी फॉल आउट हुआ है उसे क्लीन कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का आईलाइनर। और गाइज़ ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, जेट ब्लैक है, वाटरप्रूफ है और स्मच प्रूफ भी है। डेली के लिए बहुत ही अच्छा आईलाइनर है और मुझे ये आईलाइनर इसलिए ही पसंद है क्योंकि जो इसका एप्लीकेटर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे आप विंग्ड आईलाइनर बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी आईलाइनर को ड्रॉ कर सकते हैं, आपने और ज़्यादा लंबा अगर आईलाइनर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर मेबेलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। और अब मैं यही बर्गंडी शेड लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी। मैं वही स्टेप फॉलो कर रही हूँ जो कि मैंने अपर आईलिड पर फॉलो किए थे, वही सेम स्टेप्स आपने लोअर लैश लाइन पर भी फॉलो करने हैं। अब मैं वही रेड कलर का शेड लेकर एक बार और इसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगा लूँगी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ यही गोल्डन कलर का शेड जो कि मैं सेंटर में प्लेस करूँगी। इस कलर को पूरी लोअर लैश लाइन पर मैं नहीं लगाऊँगी, सिर्फ सेंटर में लगाऊँगी। और अब मैं यहाँ पर फेसेस कैनेडा का काजल ले रही हूँ और इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी। इसके बाद मैं अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ और मैं यहाँ पर पाउडर कंटूरिंग कर रही हूँ अपने फेस की, क्योंकि काफ़ी अच्छी शेड है कंटूरिंग के लिए। और कंटूरिंग गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इससे आपका जो फेस है वो शार्प लगता है, काफ़ी डिफाइन लगता है। अब मैं यहाँ पर ब्लश लगा लूँगी और ब्लश मैंने बहुत ही लाइट पीची सा शेड लगाया है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का ब्लश नहीं लगाऊंगी क्योंकि रेड ही मैंने आई मेकअप किया और रेड मेरी ड्रेस है। अब मैं हाइलाइटर लगा लूँगी। हाइलाइटर से भी आपका फेस जो है काफ़ी अच्छा चमकता है और मेकअप भी बहुत सुंदर दिखता है। अपने इनर कॉर्नर्स में भी हाइलाइटर लगा लेंगे और अब अपनी ब्रो बोन पर लगा लूँगी हाइलाइटर को। मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स को आउटलाइन दूंगी कि मेरी जो लिक्विड लिपस्टिक मैं अब लगाने जा रही हूँ वो फैले ना। तो यहां पर मैं ये लैक्मे की रेड कलर की लिपस्टिक लगा लूंगी। और अब मैं लगा रही हूँ सिंदूर, और सिंदूर मैंने थोड़ा सा भरकर लगाया है क्योंकि जो बंगाल में दुर्गा पूजा में जब आप लगाते हो सिंदूर तो वो कुछ इस तरह से ही होता है। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस ये बिल्कुल फ्री है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।